नमस्कार, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री की अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि लवण, अम्ल और क्षार, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि लवण, लवण को बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट में लिखा हुआ है कि अम्ल और क्षार, ठीक है ना, एसिड और एल्काइन को अगर मिला दें तो सॉल्ट बनता है। ठीक है ना, अम्ल और क्षार अगर दोनों को मिला दिया जाए तो नमक बन जाता है। ठीक है, दरअसल होता है, कभी आपने सुना है तेजाब बन रहा है, इंसान कहता है पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो ना एसिड अधिक बनने से होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग इनो खा लेते हैं या खाने का सोडा खा लेते हैं तो वो जलन ना सही हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसमें सोडा होता है ना, तो वो जलन सही हो जाती है। उसका क्या कारण है? कारण ये है कि अगर किसी सॉल्ट को, सॉरी, किसी एसिड को एल्काइन से मिला दिया जाए, एल्की से मिला दिया जाए, तो सॉल्ट में परिवर्तित हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहीं बीच में कि ये अम्ल और क्षार होते क्या है, यहां से शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे क्या कैसे हुआ। दरअसल एक पीएच पैमाना होता है, जिसे बोलते हैं पीएच पैमाना। मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों को शायद याद नहीं है, जिसमें पी फोर होता है पुसांस या पोटेंस। ठीक है, पोटेंस, वैसे मैंने इधर भी लिखा हुआ है, यह पी फोर पुसांस पोटेंस। और पीएच स्केल की जो खोज की थी ना, वो वैज्ञानिक थे सारंसन। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, सारंसन। सारंसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। तो आपको याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में एक बात समझाता हूं, उसे आराम से याद रखना, बस सीधा सीधा। ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट, ये सात है, सेवन, और ये सेवन जो पीएच मान होता है वो होता है जल का। बस ये याद रख लो कि सेवन पीएच मान जल का होता है, और जल को आप न्यूट्रल मान लो, क्योंकि ये ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो सेवन जो मान होता है ना, वो न्यूट्रल होती है, जीरो मानो से आप, है ना। वैसे पीएच मान, पीएच स्केल पे सेवन होता है जल का मान, और जल पे या जल के नजदीक जितने भी चीजें होती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब उनमें बहुत ज्यादा ना क्षार होता है ना अम्ल होता है। लेकिन कहीं क्या जाती है, बात सुनिए, अभी मान लो अम्ल को हिंदी में कैसे लिखते हैं, एफएनआर, तो इधर लिख लो अम्ल, अम्ल, अम्ल को याद रखो एफएनआर, ये पहले आता है। सबसे पहले कहां शुरू करते हैं, ऐसे अनार से शुरू करते हैं, तो ऐसे अम्ल और ऐसे अनार, तो अम्ल इधर लिख लो। ठीक है, और फिर आया दो चीज, क्योंकि जल तो हमें याद है, फिर आया क्षार, तो दूसरा क्षार लिख दो। ये सबसे बाद में आता है अम्ल, जय पे जल, अक्षय पे क्षार, बात खत्म। सात को तो बीच में रखना है, तो ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि सात पीएच स्केल से अगर आगे जाएंगे आप तो चीज क्षारीय हो जाएंगी, और सात पीएच स्केल से पीछे जाएंगे आप तो चीजें अम्लीय हो जाएंगी। इससे सिंपल लॉजिक, आपको रटने की जरूरत नहीं, बात खत्म। कोई बताए कि पीएच मान इतना है, ये चीज अम्लीय है कि क्षारीय है, पूछते हैं खून क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो खून का मान 7.4 समथिंग कुछ होता है, तो 7.4 होने के कारण वो क्षारीय है, क्योंकि ब्लड जो है वो सात पीएच स्केल से आगे पहुंच गया। ठीक है ना, तो क्षारीय है, समझे। तो ऐसे अम्ल और क्षार का बेसिक एक मिनट में खत्म, ना ज्यादा याद करना ना ज्यादा सोचना, रटने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि क्या चीज अम्लीय है और क्या चीज क्षारीय है। ठीक है, तो वैज्ञानिक सारंसन है जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच में पी का मतलब पुसांस होता है, जिसमें पोटेंस बोलते हैं, सात पे जल का मान है, सात से कम कोई चीज है तो अम्लीय है, सात के बाद कोई चीज है तो क्षारीय है, जिसका मान सात से ज्यादा हो क्षारीय। ठीक है, अम्ल और क्षार का कंसेप्ट तो ये खत्म हुआ कि क्या अम्ल होता है, क्या क्षार होता है। दूसरी, अगर एक अम्ल को एक क्षार के साथ मिला दिया जाए तो बनता है सॉल्ट या नमक। ठीक है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाने से ना विस्फोट हो जाता है, स्प्लैश के साथ। तो इसलिए अम्ल को अगर दूसरे क्षार के साथ मिला तो उसे आराम आराम से मिलाइए, हिला हिला के,
डाइल्यूट करके धीरे 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 धीरे, अन्यथा अम्ल और क्षार को मिलाने में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और बहुत सी बार ऊष्मा की ताकत इतनी होती है कि स्प्लैश के साथ बाहर निकल आती है ना। तो इसलिए अम्ल और क्षार को मिलाया जाता आराम आराम से है, लेकिन अम्ल और क्षार के मिलाने से लवण मतलब सॉल्ट बनता है। अब दूसरी बात आती है कि समुद्र के जल से जो हमें प्राप्त होता है वो भी लवण होता है, उसे जो प्राप्त करते हैं ना, जैसे प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। अब क्रिस्टलीकरण क्यों बोलते हैं, तो होता यह कि नमक के विलयन के साथ कुछ चीजें कठोर होकर के अलग हो जाती हैं और एक क्रिस्टल के रूप में मिलती हैं, तो इसलिए वो प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब होता यह कि नमक ना नमी पकड़ लेता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम उसके अंदर थोड़ी मात्रा में होती है, अगर हवा में नमी है तो नमी पकड़ता गीला हो जाता है। आपने घर में देखा हो मोटा नमक की डली लाइए, घर में रखिए, किसी भी चीज रख दीजिए, अब मैग्नीशियम कारण या और बहुत सारे तत्व उसके अंदर मिले होते हैं तो उनसे ना नमी पकड़ लेता है, गीला दिखाई देगा अगर थोड़ा बहुत ही मॉइस्चर हवा में, तो एब्जॉर्ब कर लेता है नमी को, ठीक है। अच्छा अगली चीज, अब होता क्या आयोडीन वाला नमक क्या होता है, तो साधारण नमक और पोटेशियम आयोडाइड, मैंने भी कल परसों बताया जब पढ़ा था कि पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक को मिलाकर के जो नमक बनता है ना वो आयोडीन वाला नमक होता है। तो ओवरऑल साल्ट का कॉन्सेप्ट तो इतना सा है, साल्ट में इतना होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। आयोडीन वाला नमक किस रोग में काम आता है, घेंगा रोग अगर किसी को है तो इसे आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। घेंगा में क्या होता है, गर्दन की जो ये ग्रंथि होती है ये बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है, बात खत्म। नमक में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगला, अब दूसरी चीज है सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा, यह भी लवण होता है एक प्रकार का। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, है ना। अब इसके अंदर एक चीज होती है कि बेकिंग पाउडर भी इसी से बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर और खाने वाले सोडे में अंतर थोड़ा सा इतना है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दी जाती है तो बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर की खास बात क्या है, अगर बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाए तो वो जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई थी वो हाइड्रोजन मुक्त होने लगती है, ठीक है। मैंने एक दिन पहले बताया था, इसके बारे में बताऊंगा मैंने क्या बताया था पहले, तो बेकिंग पाउडर साथ। दूसरा, अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है कि जब बेकिंग पाउडर को अग्नि पर फेंकेंगे तो अग्नि गर्म होगी, अग्नि उसे गर्म करेगी तो हाइड्रोजन मुक्त होगी और हाइड्रोजन मुक्त होगी तो अग्नि को शांत कर देगी। अग्नि को गर्म या जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कहीं भी अगर आग जलेगी तो ऑक्सीजन चाहिए और ये जाके ऑक्सीजन से उसका रूप तोड़ देती है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन H2O पानी में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि गर्मी भी है, तो इसलिए आग बुझ जाती है, इसलिए अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, खाने को शीघ्र पकाने में प्रयोग किया जाता है। खाने में अगर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दो तो उसमें हाइड्रोजन की क्रिया होने लगती है और अधिक गर्मी कारण खाना जल्दी पक जाता है। मैक्सिमम नॉनवेज पदार्थ में, नॉनवेज जितने भी खाने उसमें बनाने के लिए डालते हैं, या कुछ हार्ड चीजें जैसे चना हो या मैं कहूँ राजमा हो, अगर वो नहीं पक रहे हैं, आपने नहीं भिगोए तो उनमें भी डाला जाता है बेकिंग पाउडर। अच्छा, अगला क्या है कि ये संचारी क्षारक है, तो जो पेंट लग जाता है ना उसे हटाने का काम भी करता है, ये उपयोग बता रहा हूं। अगला क्या है, गंदगी और ग्रीस हटाने का काम आता है कि जब हम पानी के साथ इसे मिला के हम कपड़े साफ करते हैं या धोते हैं तो गंदगी आसानी से छुट जाती है इसकी उपस्थिति में, तो लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल करते हैं इसे दाग छुटाने के लिए, जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती है कपड़े धोने के ना, तो गंदगी और ग्रीस का दाग हटाने के लॉन्ड्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला के चांदी को साफ करने में, जब चांदी के ऊपर एक परत जम जाती है ना सिल्वर हाइड्राइड वगैरह की, तो उसे साफ करने के लिए भी ना इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट की परत जमती है हरी से रंग की जो परत होती है। उसके बाद ऐसी एंटीसिड होता है, एंटीसिड मैंने आपको बता दिया, एंटीसिड का मतलब है कि जो हमारे पेट में अम्ल बनता है अगर उसके अगर हम इसे खाएं बेकिंग पाउडर को तो उसको शांत कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, लवण में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगला है हमारा मधुमक्खी के डंक में, दरअसल मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, तो मधुमक्खी का काट ले तो बहुत दर्द होता है, तो मधुमक्खी का डंक होता है वो होता है अम्लीय एसिडिक, है ना, और ये है क्षार, है ना। तो जब अम्ल और क्षार को मिला दें तो न्यूट्रल हो जाता है, जैसे मैं बता रहा हूं लवण में चेंज हो जाता है ना, तो इस कारण से अगर मधुमक्खी काट ले
और उसके बाद हम इसे लगाएं बेकिंग पाउडर को, तो एक संचारी क्षारक के रूप में काम करता है, दर्द कम हो जाता है, सूजन नहीं चढ़ती, उसके जो जहर है, जो उसका डंक लगने जहर है वो खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो सब बेस्ट थे हम जो लगाते हैं ना, लोहा लगा लो, मिट्टी का तेल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि बेकिंग पाउडर लगा लो, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का धोने का सोडा भी कहते हैं, मैंने उस दिन बताया सोडियम पड़ा था, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं धोने का सोडा, और सोडा एश। ठीक है, अगला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर धोवन सोडा बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो धोवन सोडा प्राप्त हो जाता है। अब बोरेक्स है ना, जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में बोरेक्स जैसा यौगिक है उसका उत्पादन किया जाए तो उसके लिए भी सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कि जल की कठोरता अगर हम दूर करते हैं, जो कठोर है जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है ना, वो होती है जल की कठोरता। जब जल पढ़ा था मैंने बताया था जल में क्या दिक्कत होती है, तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि अगर चोट मतलब जल गया है कहीं से है ना, अगर कहीं जल जाए तो वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट लगाने से दवा के रूप में काम करता है, बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, अगला शुरू करते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल एसिड जिनका मान पीएच स्केल पर 7 से कम होता है वो सभी अम्लीय होते हैं। ठीक है, जब बात करूं तो अगर लिटमस पेपर डुबोने से लाल हो जाए, अगर अम्ल का पता करना तो लिटमस पेपर डुबोने से लाल हो जाता है तो अम्लीय है। ठीक है, ये सीधी सीधी सी एक बात है। दूसरा है कि अम्ल में क्या है, अम्ल में एक है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम गंधक का तेल और विट्रोल का तेल भी कहते हैं। ये पहले नहीं पढ़ा होगा अगर आपने इससे पहले किताब नहीं पढ़ी है ना, सही से नहीं पढ़ी है तो गंधक का तेल और विट्रोल का तेल भी इसे बोला जाता है। विट्रोल का तेल क्या बोलते हैं, हरे विट्रोल प्लस आयरन सल्फेट के साथ इसे दोनों को मिलाकर के हमें ये प्राप्त होता है। मैंने लिखा है हरे विट्रोल और आयरन सल्फेट के साथ मगर मिला है, मतलब हरे विट्रोल और आयरन सल्फेट से मिलता है ये हमें, इसीलिए इसे विट्रोल का तेल भी कहते हैं। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा भी इसी के कारण होती है। होता यह है कि मौसम में जो नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन प्लस सल्फर, ये दोनों की दोनों वाष्प के साथ क्रिया करके, मतलब जो हमारी उमस या भाप गई होती है जो बादलों का संघनन करती है ना, जोड़ती है, तो उसके साथ क्रिया करके ना या तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो उसके बाद जो इकट्ठा होती है तो वर्षा जो होती है वो एसिडिक रेन होती है, इसलिए उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मौसम की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि मे बी वो एसिडिक रेन हो सकती है। ठीक है, ऐसा वहां पर जाता होगा, उद्योग धंधे जाता है, वहां से उठने वाली सल्फर वो ऊपर जाके क्रिया करती है और वहां पर बहुत सारी एसिडिक रेन, इस कारण से ताजमहल का रंग भी पीला पड़ता जा रहा है अम्ल वर्षा अधिक होने के कारण। ठीक है, ऐसे सवाल भी आते हैं कि ताजमहल का रंग इसलिए भी फीका पड़ रहा है, पीला हो रहा है, तो अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, अगला HNO3 को बोलते हैं शौर्य का तेल, HCl को बोलते हैं नमक का अम्ल और या फिर म्यूरेटिक अम्ल। मतलब HCl क्या होता है, आपको याद है अपने घर में ना बाजार जाते हो तेजाब दे दो जी वॉशरूम साफ करने के लिए चाहिए है ना, तो वॉशरूम साफ करने के लिए जो तेजाब हम लाते हैं वो HCl होता है, जिस नमक का तेजाब बोलते हैं आप। ठीक है, अच्छा अगला क्या है कि खनिज लवण जिनका स्रोत एक अधिक अकार्बनिक यौगिक होते हैं, वो चीजें जिनका स्रोत एक से अधिक अकार्बनिक यौगिक हो उन्हें खनिज लवण बोलते हैं। खनिज लवण बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, हम खाते हैं ना खनिज लवण बहुत सारे, जिन्हें विटामिंस मिनरल्स बोलते हैं ना, मिनरल्स खनिज लवण। ठीक है, अच्छा अगली चीज क्या है, अम्ल व क्षार की जांच कैसे होती है, देखो लिख रहा है अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन पौधों से प्राप्त होती है और पौधों से प्राप्त होने लाइकेन से ही, लाइकेन एक तरह की कवक या एक अजीब मतलब एक तरह का जीव है, एक तरह से समझ लीजिए आप लाइकेन जो होता है ना, तो लाइकेन से प्राप्त होती है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर लिखा हुआ है तो लाइकेन का रंग जो होता है ना बैंगनी होता है, और वो बैंगनी रंग जब अगर अम्ल के साथ मिले तो लाल हो जाता है और क्षार के साथ मिले तो नीला हो जाता है। तो किसी भी चीज में हमें लिटमस पेपर डालने से ये पता लगता है कि अम्ल है या क्षार है, तो अगर अम्ल होगा तो वो लाल हो जाएगा बैंगनी से, और क्षार होगा तो बैंगनी से नीला हो जाएगा, ये होता है। अच्छा एक चीज होती है एक्वारेजिया, ये एकमात्र ऐसा
एसिड है जो सोने को और प्लेटिनम को दोनों को गला सकता है, अन्यथा सोना किसी एसिड में नहीं गलता है, प्लेटिनम भी नहीं गलता है, चाहे आप उसे, दरअसल सोना किसी के साथ क्रिया नहीं करता, समझ रहे ना, जब सोना किसी के साथ क्रिया ही नहीं करता, बताया था मैंने कुछ ऐसे तत्व जो क्रिया नहीं करते, तो सोना जो है ऐसा है जो किसी एसिड के साथ क्रिया नहीं करता, बाहर की गैसों के साथ किसी क्रिया नहीं करता, लेकिन एक्वा रेजिया एक ऐसा वो है जिसमें तीन अणु और एक अणु किसी अलग अलग दो अम्ल है उन दोनों के अणु मिलकर ना तब ये बनता है एक्वा रेजिया, तो ये प्लेटिनम को गला सकता है और सोने को गला सकता है, बस दो ही चीजों पे, ठीक है ना। अब होते हैं क्षार, क्षार बोलते हैं बेस या क्षारक बोलते हैं एल्कली, दरअसल इनका स्वाद कड़वा होता है क्षारों का। अब एक काम कीजिए, कभी ना आप इनो पीजिए, इनो जिस समय पी रहे होते हैं तो वो बड़ी बुलबुलेदार होती है, हमको लग रहा होता है कि क्योंकि वो क्षार है, लेकिन टेस्ट उसका कड़वा होता है, कड़वाहट होती है, तो जितने भी क्षार होते हैं सब कड़वे होते हैं। अब कौन सा क्षार किसमें मिलता है, तो क्षार देखिए मैंने दो महत्वपूर्ण क्षार हैं, कैफीन मिलता है कॉफी से और चाय से, निकोटीन मिलता है सिगरेट से, सिगरेट में निकोटीन होता है, ये भी एक प्रकार का क्षार है, कोई पूछ लेता है ये क्षार है क्या अम्ल है, तो इसलिए बस मैंने दो बताए हैं ना। अब लिख रहा है कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए कौन सा प्रयोग होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड दो ऐसे क्षार हैं जिन्हें पेट की अम्लता दूर करने के लिए अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है। जिलासिल एंटासिक एसिड नाम से एक टैबलेट आती थी, वो इस्तेमाल करती थी इनको, जिलासिल एंटासिक एसिड, ठीक है। अब एक बात बताना भूल गया यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग पाउडर है ना, इसे गर्म करने से हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो होता ये है कि जब हम ब्रेड बनाते हैं, मैंने पहले बताया था कि ब्रेड में बुलबुले जो जब हाइड्रोजन बढ़ा रहा था, तो बता रहा था ना, तो होता ये है कि जब इसे मिला देते हैं आटे के अंदर, तो उसके बाद ना उसमें एक किण्वन प्रक्रिया के द्वारा खमीर बन जाता है, लेकिन उसके अंदर बेकिंग पाउडर तब भी रहता है, तो जब उसे गर्म करते हैं ना उस आटे को, तो गर्म होने के बाद उसमें हाइड्रोजन निकलनी शुरू हो जाती है, तो हाइड्रोजन निकलने के कारण उसमें बुलबुले बनते हैं और छोटे 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 छेद हो जाते हैं ब्रेड पे, है ना। इस कारण से जो ब्रेड में छेद होते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से मुक्त हुई हाइड्रोजन के कारण होते हैं, ठीक है। तो हमारे ना लवण अम्ल और क्षार ये इसमें इतना ही बहुत था, सॉल्ट बेस और सॉल्ट एसिड और बेस, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन खत्म हो गई, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम तीन लेक्चर और ये केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम नई सीरीज शुरू करेंगे जो आप लोग चाहोगे वो, तो प्लीज आप इसे इंटरेस्ट से देखिए और मुझे बताइए मैं इसमें क्या आपको और बताऊं या आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, नमस्कार।